और अब वक्त उछला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे दोनों प्रदेशों की खबरें। बिहार शरीफ प्रखंड में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। बिहार शरीफ के लहरी थाना क्षेत्र के नाला रोड पर बाइक सवार दो ऊंचनकोट एक रिटायर्ड प्रधानाध्यापक से 50,000 रुपए उड़ा लिए। शिक्षक बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे थे। पीड़ित शिक्षक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल किसी भी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजगीर प्रखंड में गर्म जल के झरने का पानी सूखने से यहां के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व पर खतरा मंडराने लगा है। यहां कुल 22 कुंड और 52 धाराएं हैं, जिनमें गर्म जल का प्रवाह होता है। वर्तमान समय में गंगा, यमुना, मार्कंडेय कुंड और शीतल कुंड के गर्म जल की धारा पूरी तरह सूख चुकी है, जबकि सप्तधारा का जल प्रवाह सूखने के कगार पर है। परवलपुर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। विभागीय कार्यों में लापरवाही और शिकायत के कारण एसपी सुधीर कुमार ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की। बिहार शरीफ प्रखंड में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित गांधी पखवाड़ा दिवस का समापन हो गया। समापन समारोह के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजगीर प्रखंड के वीरचैत गांव में आग लगने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद महिला को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि महिला घर में काम कर रही थी कि अचानक घर में रखी ढीबरी से उसके कपड़ों में आग लग गई। इससे वो बुरी तरह झुलस गई। महिला की चीख सुनकर लोग पहुंचे और आग बुझाई। बाढ़ प्रखंड के धनवा मुबारकपुर पंचायत के पूरा गांव में महादलितों को बिजली से वंचित रखा गया है, जबकि ट्रांसफार्मर सड़क पर रखा हुआ है और बिजली विभाग लापरवाही के चलते यह खराब हो रहा है। बख्तियारपुर प्रखंड के रूपस महाजी पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स के अकाउंट में सारे मजदूरों की मजदूरी डाल दी गई। ग्रामीणों ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय समेत तमाम आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। बाढ़ के डाकबंगला मैदान में अनुमंडल स्तरीय कृषि यांत्रिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपप्रमुख सुनील पासवान और कृषि अधिकारी ने किया। इस मौके पर कृषि उपकरणों की खरीदारी भी की गई। बेलछी प्रखंड में विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और उसका लाभ हासिल करने के बारे में जानकारी दी। भंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत में जनप्रतिनिधियों ने पंचायत भवन कार्यालय का जायजा लिया। जनप्रतिनिधियों को पंचायत में कराए गए कामों से अवगत कराया गया। 4 फरवरी को अथमलगोला स्टेशन के पास पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में रामजन्म यादव नामक शख्स की हत्या के मामले में रेल डीएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा किया। बख्तियारपुर स्टेशन के टिकट काउंटर की जर्जर हालत को देखते हुए उसे धराशायी तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक नए भवन का निर्माण नहीं कराया गया। भंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत में रामकथा का आज समापन हो जाएगा। इस मौके पर भव्य आरती समारोह का आयोजन किया गया। बाढ़ और बख्तियारपुर स्टेशन पर पुलिस ने लावारिस हालत में शराब की खेप बरामद की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बाढ़ के किड्जी स्कूल के बच्चों ने शिवरात्रि के मौके पर बेहद आकर्षक झांकी निकाली, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। बच्चों ने बेहद आकर्षक तरीके से भगवान शिव और पार्वती को सजाया था। विधानसभा स्पीकर विजय नारायण सिन्हा बख्तियारपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बीजेपी में शामिल होने की अपील की। सिसवन प्रखंड में आर्थिक हल युवाओं के बल पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी। जीरादेई प्रखंड में तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को पुरस्कार भी दिए गए। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के खुजवा गांव में अभियुक्त अकबर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिवान के महाराजगंज प्रखंड में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें एसडीओ एसडीपीओ ने हिस्सा लिया। मढ़ौरा नगर में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कोपा ने तेहटी को हरा दिया। मैच में विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। मशरक प्रखंड में वार्ड सदस्य संघ की एक बैठक हुई, जिसमें संघ की मजबूती पर बल दिया गया। परसा को ओडीएफ बनाने को लेकर कई विभागों के कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को शौचालय बनाने का संकल्प दिलाया। रैली में सेविका, सहायिकाएं, कई विद्यालयों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। तरैया प्रखंड के पचरौर के पास पुल टूट जाने से भारी वाहनों का परिचालन बंद हो गया है। 25 दिन पहले ही पुल की मरम्मत की गई थी, बावजूद उसके पुल टूट गया। कोपा में अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी के बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक राहुल मेहता के साथ दुर्व्यवहार करने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला फूंका। महाशिवरात्रि के मौके पर तरैया मुख्य बाजार में भगवान शिव के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
हाथों में जल लिए श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर विश्व शांति की कामना की। बनियापुर प्रखंड के लोक महाविद्यालय में एनएसएस कार्यकर्ताओं ने योग शिविर लगाया और स्वास्थ्य स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत के नारों के साथ योग में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की अपील की। सहरसा जिले के सोनबरसा राज प्रखंड के हटिया रोड पर नाले का पानी सड़कों पर बहता है, इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। गंदे पानी के कारण बीमारी फैलने की भी आशंका रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि इसे लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं किया गया। सहरसा जिले के चिरैया ओपी क्षेत्र के चानन सिसवा गांव में एक नाबालिग युवती के साथ गांव के ही तीन युवकों ने घर में जबरन घुसकर बलात्कार किया। पीड़ित ने तीन लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है। सहरसा जिले के सोनवर्षा कचहरी ओपी क्षेत्र के परमिनिया हॉल्ट के पास एक तेज रफ्तार ऑटो नियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिसमें उसमें सवार एक शख्स घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर ऑटो चालक की तलाश शुरू कर दी। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा में पुलिस से दुर्व्यवहार करने वाले एक युवक को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल आरटीपीएस काउंटर और प्रखंड कार्यालय परिसर में बिचौलियों का बोलबाला है, जो प्रखंड कर्मियों के साथ मिलकर पैसे देने वालों के काम पहले करवाते हैं। सहरसा जिले के सत्तर कटैया प्रखंड के तकनीकी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बीडीओ तौकीर हाशमी को निर्वाचक सूची में लिंगानुपात बढ़ाने के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हायाघाट प्रखंड में आयोजित यज्ञ के दौरान 24 कुंडों में हवन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान लंगर और मेले का भी आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव में नवाह में सीताराम संकीर्तन और यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने आकर्षक झांकी निकाली। बेनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। कमतौल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं के बीच पुस्तक का वितरण किया। बेनीपुर प्रखंड के सज्जनपुरा गांव में शौचालय निर्माण के लिए डीडीसी ने गड्ढा खोदा और जल्द ही पंचायत को ओडीएफ घोषित करने की बात कही। जाले प्रखंड कार्यालय परिसर में आईटी भवन का विधायक जीवेश कुमार ने शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं से क्षेत्र कहीं भी अछूता नहीं रहेगा। केवटी प्रखंड के दड़ीमा नवटोलिया और खिरमा में चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरों ने एक घर से 1 लाख रुपए और बाजार से बाइक चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सिंहवाड़ा के ब्रह्मस्थान परिसर में कलश शोभा यात्रा के साथ अष्टयाम शुरू हुआ। कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों युवतियां शामिल हुई। बेनीपुर प्रखंड के बहेड़ा छोटी बाजार में ट्रक ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जिससे 4 पोल टूटकर गिर गया। इस घटना में कई लोग बाल बाल बच गए। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों और पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। केवटी प्रखंड में एयरफोर्स स्टेशन और पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद लोग हवाई अड्डे परिसर के पास मकान बना रहे हैं, इसे लेकर फाइटर लेफ्टिनेंट ने केस दर्ज कराया। केवटी प्रखंड थाना क्षेत्र के गठूली में एक शख्स के खाते से धोखाधड़ी कर 64,000 रुपए निकाल लिए गए। गरहारा में डीजल इंजन लोकोमोटिव पावर शेड में स्थानीय युवाओं की भागीदारी की मांग को सैकड़ों बेरोजगार युवा धरना दे रहे हैं। रामधीरी में स्टेट बैंक का पंचायत के खाताधारकों और किसानों ने घेराव किया। दरअसल यहां से बैंक का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। मथुरापुर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। पूर्णिया के मीरगंज थाना क्षेत्र के दमौली पंचायत में ग्रामीणों ने कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे सरकारी अनाज लदे ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर डीलर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक डीलर की गिरफ्तारी नहीं हुई। पूर्णिया के पूर्व प्रखंड के मीरगंज थाना क्षेत्र के हरदा टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्णिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड प्रमुख बीडीओ और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। बांका जिले के बेलहर प्रखंड में बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कई कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश दिए। बांका के जयपुर में 10 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने भी शिरकत की। सांसद ने यज्ञ का आयोजन करने वाली समिति को धन्यवाद दिया। बांका जिले के जेठोर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर शिवजी की बारात भी तैयार कर ली। बांका के डीएम कुंदन कुमार की अध्यक्षता में 7 निश्चय योजना को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में योजना की धीमी रफ्तार पर चिंता जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।
बांका के मनरेगा भवन में ब्लॉक टेक्निकल रिसोर्स टीम ने रेगा ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उप विकास आयुक्त ने शुभारंभ किया। अरवल जिले के करपी प्रखंड के केयाल पंचायत के महावीरगंज में बिजली नहीं आने के कारण लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। सरकार के किसी भी विकास योजना का लाभ आज तक यहां नहीं पहुंचा। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के इंजोर पंचायत के गेहुआ बिघाबा गांव में अब तक बिजली की सप्लाई शुरू नहीं की जा सकी है। हालांकि एक साल पहले ही बिजली विभाग ने यहां खंभे लगा दिए। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के पूरा कोठी गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र भवन इन दिनों आसपास के पशुओं के लिए चारागाह बन गया है। विभाग भी इसे लेकर चैन की नींद सो रहा है। बगहा एक प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए शिविर लगाया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नेपाली टोला गांव में बनी सड़क और नाली टूटकर जर्जर हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन और मुखिया से साफ सफाई के साथ ही सड़क की मरम्मत की मांग की। बगहा दो प्रखंड के मदनपुर वन क्षेत्र के जरलाहिया गांव में तेंदुए ने कई पालतू पशुओं पर हमला कर उन्हें मार डाला, जिसके बाद ग्रामीण दहशत में है और राजजग्गा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को उसकी सूचना भी दे दी गई है, बावजूद उसके विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहा। बगहादो प्रखंड के बोरवल सिमरा गांव में रोड पर गन्ने से लदा एक ओवर लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे सड़क पर घंटों जाम लग गया। बगहादो सड़क दो प्रखंड के सेमरा थाना क्षेत्र में दबंगों ने आपसी रंजिश में एक बच्चे को बुरी तरह पीट दिया और उसे नाले में फेंक दिया। जख्मी हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बगहा के गंडक दियारा के भीताहा प्रखंड में बीडीओ ने खुले में शौच से मुक्ति के लिए ग्रामीणों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया और लोगों को जागरूक किया। मार्च 2018 तक दियारा के चारों प्रखंडों को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका काम तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। बगहा एक प्रखंड के गांधीनगर गांव से पुलिस ने शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बगहा एक प्रखंड के आईसीडीएस कार्यालय पर अनशन कर रही आंगनबाड़ी सेविका नीलम देवी का एसडीएम घनश्याम मीना ने अनशन तोड़वा दिया है। एसडीएम ने सेविका को जांच का भरोसा दिया है। छपरा जिले के डेरनी में सड़क पर हाई टेंशन लाइन के गिरने से एक बाइक धू-धू करके जल गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी। नवादा में अवैध तरीके से बालू खनन को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बालू के ठेकेदार सकरी नदी से गलत तरीके से और मनमाने ढंग से बालू का उठाव कर रहे हैं। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक के पास NH-28 से दो लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मृतक की पहचान 35 साल के अजय कुमार पटेल और वीरेंद्र यादव के तौर पर हुई है। मृतक वीरेंद्र यादव सहदुल्लाहपुर पंचायत के पूर्व सरपंच थे। गया के जीबी रोड स्थित प्रधान डाकघर में पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का शुभारंभ सांसद हरि मांझी ने फीता काटकर किया। सीवान जिले के पपौर दलित टोला गांव में शिक्षकों पर दलित छात्रों से भेदभाव का आरोप लगा है। जब इसकी जानकारी बच्चों ने परिजनों को दी तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। हालांकि विद्यालय के प्रिंसिपल ने स्कूल में भेदभाव की किसी भी आरोपों से इंकार किया और उसे झूठा आरोप करा दिया। सदर प्रखंड के पतरा टोली में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और बच्चों के साथ ग्रामीणों के दांतों की भी जांच की गई और उन्हें दवा का वितरण किया गया। लोहरदगा में छोटांगपुर पठारी बॉक्साइट ट्रक यूनियन और लोहरदगा गुमला लातेहार बॉक्साइट ट्रक संघ की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें हिंडाल्को के रवैये से परेशान होकर ट्रक संघ ने अपनी बातें रखी। कुडू प्रखंड के कमले में संचालित कोयला डंपिंग यार्ड में काम कर रही महिला मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा के कोयला तोड़ने के काम में लगाया गया है। यही नहीं, मजदूरों को मजदूरी भी बहुत कम दी जाती है। इसे लेकर ग्रामीणों और कामगार मजदूरों में संवेदक के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। सदर प्रखंड के हरमू पंचायत भवन का जिला परिषद अध्यक्ष सुनैना कुमारी ने निरीक्षण किया और जिला पंचायत को जानकारी देकर पंचायत भवन के जीर्णोद्धार की बात की। पिशरार प्रखंड के तुइमो पंचायत में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीसी विनोद कुमार सिंह ने किया। जनता दरबार में विकास योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर डीसी विनोद कुमार ने उज्ज्वला योजना के लाभुकों के बीच गैस चूल्हे का वितरण किया, जिस पर लाभुकों ने खुशी जाहिर की। देवघर के मधुपुर अनुमंडल के अनुमंडल अधिकारी और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब लोगों को आभूषण की खरीदारी से दूर जाना होगा। देवघर के जसीडी थाना क्षेत्र में डॉल्फिन डांस एकेडमी में बच्चों ने मयूरी नृत्य पेश किया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। देवघर के सारवा प्रखंड में बीजेपी नेत्री रीता चौरसिया ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही इसका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। देवघर के साराठ प्रखंड में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने शिवरात्रि बारात समिति के साथ बैठक कर वृहद पैमाने पर शिव बारात निकालने और समुचित व्यवस्था करने की अपील।
यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरें। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे कुछ और खबरों का। खूंटी में पूर्व डीसी मनीष रंजन ने वर्तमान डीसी सूरज कुमार को बूके देकर उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं। खूंटी के मुरहू प्रखंड के बिचना में महिला किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला किसानों ने शिरकत की। खूंटी के आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासियों ने 4 जिलों में बंद बुलाया, लेकिन इस बंद का कुछ खास असर नहीं दिखा। घाटशिला के पोटका प्रखंड के टांगराइन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्कूली छात्राओं के बीच स्वच्छता को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया और उन्हें जागरूक किया। घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड के चंचलदा गांव में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें 4 पंचायत के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में ग्रामीणों ने वृद्धावस्था पेंशन, पेयजल और स्वास्थ्य की बदहाली की शिकायत की, जिसे लेकर आरजेडी ने आंदोलन करने की बात कही। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के डाक बंगला के पास लगा हैंडपंप कई महीनों से खराब पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने मुखिया और जनप्रतिनिधि पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड में बने जिला परिषद के कार्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस कार्यालय को शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया है। पुलिस भी इसे लेकर मूक दर्शक बनी हुई है। घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड के पाटपुर पंचायत भवन जाने वाले रास्ते पर नाली का गंदा पानी बहता है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी होती है, लेकिन इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। रंका प्रखंड के सिरोई पंचायत के वीर बांध उत्क्रमित विद्यालय में स्कूली बच्चों के बीच जिला परिषद सदस्य उमा देवी ने पोशाक का वितरण किया और बच्चों से यूनिफॉर्म में विद्यालय आने की अपील। रमना प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक हुई, जिसमें प्रखंड समिति का पुनर्गठन कर प्रदीप कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष, राजकुमार पासवान को उपाध्यक्ष और मुन्ना भाई को संरक्षक बनाया गया। भवनाथपुर के प्रतिभा साइंस कोचिंग सेंटर में 12वीं के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को परीक्षा को लेकर कुछ टिप्स दिए गए। कांडी प्रखंड के गाड़ा खुर्द पैक्स धान में कई क्विंटल अनाज खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है, लेकिन विभाग इसे लेकर बेपरवाह बना हुआ है। रंका थाना क्षेत्र के करी गांव से पुलिस ने छापा मारकर एक पिकअप वैन से लकड़ी के 90 पटरे बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांडी प्रखंड में दौरे पर आए एसडीपीओ ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभुकों को योजना लाभ दिलाने की स्वीकृति दी। कांडी के पर्यटन स्थल सतबहिनी झरना तीर्थ में 17वें मानस महायज्ञ और जन जागरण समारोह का समापन हो गया। मझियाव में स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने दूध शीतक केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस केंद्र के खुलने से इस क्षेत्र के किसानों को दूध लेकर अब बढ़वा नहीं जाना पड़ेगा। कांडी के बरडीहा थाना क्षेत्र के कौआ खोह निवासी ललन राम की मौत हिमाचल प्रदेश में हो गई। ललन 2 महीने पहले वहां काम की तलाश में गए थे। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के मुकरी गांव को डीसी दिलीप कुमार झा ने गोद ले लिया है। डीसी समेत जिले के तमाम अधिकारियों ने इस गांव का दौरा किया और विकास को लेकर चर्चा की। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के गायबथान गांव में तिलका मांझी जन्मोत्सव के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। पाकुड़ सदर प्रखंड के इलामी पंचायत में मधुमक्खी पालन कर रहे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। पाकुड़ सदर प्रखंड में 20 सूत्री की एक बैठक हुई, जिसमें सभी 20 सूत्री अध्यक्षों से प्रखंड स्तरीय बैठकों की जानकारी ली गई। बैठकों को लेकर सभी ने असंतोष जाहिर किया। पाकुड़ सदर प्रखंड के चांदपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चांदपुर में मुखिया ने स्कूली बच्चों को पोशाक का वितरण किया। नगर निगम मेयर के पद के उम्मीदवार निर्मला तिवारी ने शाहपुर में चुनावी दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। मेदिनीनगर के परिसदन भवन में आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें 16 फरवरी को अन्नपूर्णा देवी के पलामू आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों पर बात हुई। मोहम्मदगंज में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया। कर्नल संजय सिंह ने इसका उद्घाटन किया। पांडु प्रखंड के तीसी बार धाम में 11वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक ब्रजेश शुक्ल भी शामिल।
नारायणपुर प्रखंड के पबिया में एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे पूरा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कर्माटांड में महाशिवरात्रि को लेकर कृषि मंत्री रणधीर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाने का फैसला किया। नाला प्रखंड में शस्त्र भौतिक सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। शस्त्र दंडाधिकारी विजय करकट्टे ने सभी लाइसेंसी बंदूकधारियों की बंदूकों का भौतिक सत्यापन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में नाला, गोपालपुर, बारघरिया आदि गांवों में शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गई। कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के खैरापाड़ा गांव में जमीन से महज 4 फीट ऊपर हाई टेंशन लाइन गिर गया है, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में पशुपालकों के जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को बताया गया कि पशुओं की देखभाल कैसे करें, शिविर में दूध उत्पादन क्षेत्र से कैसे तरक्की करें और रोजगार के अवसर पैदा कैसे करें, पशुपालकों को इसकी जानकारी दी गई। रामगढ़ जिले के पतरातू और चितरपुर प्रखंड सीसीएल आवास जर्जर हो चुके हैं, जिससे कभी भी यहां हादसा हो सकता है। पतरातू प्रखंड के कटिया पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। पतरातू प्रखंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका समाजसेवी निशी पांडे उप प्रमुख और जिला पार्षद ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। कोडरमा के चंदवारा थाना की पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित 9 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। काफी दिनों से इन सभी वारंटियों की अलग अलग मामलों में पुलिस को तलाश। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला मोर्चा की केंद्रीय सदस्य कंचन कुमारी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंचन कुमारी ने चलो गांव की ओर, खेलो खोलो सरकार की पोल कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया और इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। कोडरमा के जयनगर प्रखंड में ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर यूनिट का जिला परिषद सदस्य पवन सिंह और हिंद क्लब के अध्यक्ष संतोष साहू ने उद्घाटन किया। कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में शिवरात्रि मेला को लेकर डीसी और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मेला परिसर का निरीक्षण किया। शिवरात्रि को लेकर ध्वजाधारी आश्रम में 14 और 15 तारीख को 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जहां हजारों की भीड़ जुटने की संभावना है। कोडरमा के जयनगर प्रखंड के घाघटी में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में प्रशिक्षुओं ने स्कूली बच्चों को योग का अभ्यास कराया और उन्हें योग के महत्व समझाया। कोडरमा में डूमछांच प्रखंड में प्रजापति ब्रह्मकुमारी का 82वां जयंती समारोह मनाया गया। इस पर बच्चों और महिलाओं की ओर से रैली निकाली गई। रैली में भगवान का स्वरूप धारण कर बच्चों ने लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर सेना के जवान से मारपीट के मामले में आरोपी बॉडीगार्ड राकेश कुमार को सेना के जवान पर हथियार छीनने और मारपीट का आरोप लगाया है। कोडरमा जिले में सड़क निर्माण में की गई अनियमितता के खिलाफ संवेदक और जेई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण में अनियमितता की ग्रामीणों ने शिकायत की थी। दरअसल नगर विकास विभाग की ओर से 70 लाख की लागत से झुमरी तलैया ब्लॉक रोड का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों और शिव बारात मार्ग का एसपी ने निरीक्षण किया और दुकानदारों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने और सड़क को चौड़ा करने में मदद की अपील की। इन खबरों के साथ बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।